और वो ट्रेन है अपने भारत देश के अंदर। जी हाँ गाइस, तो उस ट्रेन के अंदर बैठने के बाद यकीनन आपको ऐसा फील आया था जैसे कि आपको राजा या फिर महाराजा हो। उसके अंदर बैठने के बाद ऐसी फीलिंग आती है बिल्कुल रॉयल वाली। इसीलिए तो ट्रेन का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। चले फिर गाइस यार, वहां तक तो हमें जो है भाई कार ही जाना होगा रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि जो ट्रेन है वो बेसिकली रेलवे स्टेशन पे ही रुकती है और वहीं से हमें उसके अंदर बैठना होता है। और वहीं पे हम आपको दिखाएंगे, तो एक तरफ हम लेके चल रहे हैं अपनी एस्कनोर को और एक लेके चल रहे हैं सफेद घोड़े को। अरे बैठो, जल्दी बैठो, चलो चल बटे, तू चला तू चला। ये महाराजा हो। उसके अंदर बैठने के बाद ऐसी फीलिंग आती है बिल्कुल रॉयल वाली। इसीलिए तो ट्रेन का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। चले फिर चलो गाइस यार, वहां तक तो हमें जो है भाई कार ही जाना होगा रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि जो ट्रेन है वो बेसिकली रेलवे स्टेशन पे ही रुकती है और वहीं से हमें उसके अंदर बैठना होता है। और वहीं पे हम आपको दिखाएंगे, तो एक तरफ हम लेके चल रहे हैं अपनी एस्कनोर को और एक लेके चल रहे हैं सफेद घोड़े को। अरे बैठो, जल्दी बैठो, चलो चल बटे, तू चला तू चला। ये जिद करता है यार, हर बारी मैं चलाऊंगा, तू चला ले भाई। तो भाई इसके अंदर हल्का सा ये रहता है, पीछे बैठने वाले को थोड़ा सा टाइम लगता है। कर मोटर स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट कर, चलो। गाइस एस्कनोर के अंदर इस तरीके से आवाज आती है। पीछे का जो साइलेंसर है, V8 इंजन है 5 लीटर का, तो आवाज जो है वो अंदर तक आती है भाई साहब, बहुत खैर वो एक अलग चीज है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं जयपुर के लिए, क्योंकि वो जो ट्रेन है आज पहुंचेगी जयपुर के अंदर। वो जो ट्रेन है वो वर्ल्ड की 10 सबसे लग्जूरियस ट्रेन के अंदर से एक है। वो हमारे भारत की, हमारे राजस्थान की आन बान और शान है। साथ साथ गाइस वो इतनी ज्यादा लग्जूरियस है, इस हिसाब से उसका जो किराया है वो भी आपको पता है कि उसी हिसाब से होगा, तो उसका जो किराया है वो लाखों के अंदर है। और उसकी जो बुकिंग है वो मतलब एक एक साल पहले से हो जाती है। वो ट्रेन जो है वो बुक एक साल पहले से उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अंदर इंडिया के भी बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, फॉरेनर्स को भी बहुत ज़्यादा वो ट्रेन पसंद आती है, क्योंकि उस ट्रेन के अंदर जो कल्चर है, जो भी चीजें उसके अंदर देखने को मिलती है, वो सारी हमारे राजस्थान के कल्चर को, हमारे भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो बस ये यही कारण है कि आप लोगों को भी हम वो ट्रेन दिखाए कि कैसी है, क्या है, किस तरीके से चलती है, या फिर और भी बाकी सारी कई चीजें। इसीलिए चलो, रोडे 120 से ऊपर नहीं चलनी चाहिए, इस रोड की लिमिट 120 है, तो अपने को 110 या फिर 100 ही चलानी है, ठीक है? हाँ 80 चला रहा है। गाइस ये पहुंच गए हम गांधीनगर रेलवे स्टेशन। गाइस जब भी ये पैलेस ऑन व्हील किसी स्टेशन पे पहुंचती है, तो इस तरीके से स्वागत के लिए इतना सारा तामझाम किया जाता है, जो उसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं उनको रॉयल फील देने के लिए। तो गाइस ये पहुंच गई पैलेस ऑन व्हील अपने स्टेशन पे, वो देखो। इससे पहले मैं भी इसके अंदर नहीं बैठा हूँ, रुक जाए फिर आराम से ये सारा प्रोग्राम होता है, फिर अंदर चलेंगे। तो गाइस अब आपको लेके चलते हैं पैलेस ऑन व्हील के अंदर, आ जाओ। तो राजेश जी हमें आज का टूर कराएंगे, तो यहाँ से शुरुआत होती है। इसके अंदर गाइस 13 डिलक्स केबिन है, और ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ये है ट्रेन की डिब्बों के अंदर। आ जाओ, इस तरीके के हैं। बाहर बहुत गर्मी थी, अंदर बहुत ज्यादा ठंडी है, स्टेशन वाला सिस्टम है। और गाइस जो भी आप डिजाइन वगैरह देख रहे हो, ये अपनी जो ये डिलक्स है, वाह यार, ऐसा लग रहा है कि हमें ट्रेन के अंदर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फाइव-स्टार होटल की कोई गैलरी हो। यकीन नहीं होता बाहर से जो डिब्बे, ये क्या है वापस बताएंगे, ये क्या है?
नाम है ना इसका हाँ कि महाराज सूरज मल का फोटो है, थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है। ओके ये किशनगढ़ है गाइस, अलग अलग नाम है, हर डिब्बे में 3 केबिन डिलक्स के अंदर। गाइस इस ट्रेन के अंदर 41 केबिन से ऊपर डिलक्स को मिला के, तो ये जोधपुर आ गया गाइस। और आप देख सकते हैं ये फिर से ऐसा रूम मैंने आपको पहले दिखाया था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, और यहाँ पे कितनी शानदार कारीगरी की गई है ये। हमें चलो आगे लेके चलते हैं आपको। गाइस अब आपको लेके चलते हैं सुपर डिलक्स केबिन के अंदर। वाह, तो गाइस यार ये है सुपर डिलक्स केबिन, आप देख सकते हैं ये पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है। उसके अंदर 2 बेड थे, इसके अंदर एक ही बेड है, और ये किंग साइज बेड है गाइज, आप देख सकते हैं। बाकी खाने पीने के लिए यहाँ पे काफी सारी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं फ्रूट्स हैं, काजू बादाम भी है आप लोगों के लिए, ऊपर झूमर देखो गाइज, ये जो लाइट है, और आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा है ये देखो। और साथ ही साथ गाइज इसके अंदर पर्दे वगैरह हैं, जो कि अगर अपन इसे खोलें तो अपन जो है बाहर के नजारों का। ट्रेन खाली हो चुकी है क्योंकि सारे गेस्ट स्टेशन पे उतर चुके हैं, वरना ये जमा रहता है, सर्विस चलती रहती है। मे भी हमने स्पेशली कहा था कि भाई हमें तो थोड़ा खाली जगह मिल जाए शूट करने के लिए तो मजा आएगा। तो ये देखो, वाओ, हेलो चलो भाई बहुत बड़ा है। तो भाई ये था रेस्ट्रो, और उधर की साइड आगे जो है पूरा किचन है, मतलब कि जो भी खाना सर्विंग होती है, जो भी खाना वगैरह बनता है वो सारा उधर ही बनता है। तो राजेश जी ये कहाँ से कहाँ चलती है, इसका रूट क्या रहता है? ये दिल्ली से चलती है, दिल्ली से चलती है जयपुर, सवाई माधोपुर से चित्तौड़, चित्तौड़ से उदयपुर, उदयपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से भरतपुर, भरतपुर से आगरा, फिर दिल्ली। तो ये इसका रूट रहता है बेसिकली, और इसकी जो बुकिंग है मेरे हिसाब से काफी टाइम पहले ही करा लेनी होती, क्योंकि ओके गाइस तो ऑनलाइन भी ये चीज ओपन है। और अभी नेक्स्ट सेशन के अच्छा नेक्स्ट सेशन के लिए जगह है। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा, इसका जो जो किराया रहता है वो किस हिसाब से रहता है, जैसे डिलक्स का, सुपर डिलक्स का? और डिलक्स का है 485 डॉलर, ओके डॉलर के अंदर, और सुपर डिलक्स का 800 डॉलर पर नाइट, अगर मान 885। जितने दिन आप इसके अंदर रुकते हैं, जितने दिन स्टे होता है इनको उतना कर लो, अच्छा कम से कम 5 नाइट। ओके 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 ओके। और उस 5 रातों के अंदर ये जो आप रूट बता रही है सारे कवर होते हैं? अच्छा ये सारे 7 नाइट्स के अंदर होते हैं, मिनिमम 5 नाइट्स के लिए बुक करना होता है, और 7 नाइट्स के अंदर ये जो पूरी इसकी जर्नी है पूरा जो भी है वो हो जाता है। और किराया मैंने आपको बता ही दिया, राजेश जी ने भी समझाया, किराया रहना घूमना वो भी नियर है, साइट सींग इन वॉल्वो बसेस, एलिफेंट राइड, कैमल राइड, रिक्शा राइड, फैसिलिटीज ऑल्सो इन ए लीडिंग होटल एंड ड्यूरिंग द साइट सींग आवर्स वेयर वी आर सर्विंग देम फूड। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में इसकी जो जर्नी है और वो सारी चीज़ें शेयर करके। शैतान सिंह जी कैसे हैं आप? गणी खम्मा ओके, आपकी इच्छा से? ओके ओके ओके, 6 महीने बढ़ा दी आपकी, अरे वाह। तो गाइस ये थी पैलेस ऑन व्हील्स, आ जाओ। इतनी लंबी है, 41 केबिन है, और जहां से वहां तक है।
तो गाइस यार हम इसके अंदर आपको सफर करके भी दिखाते हैं, लेकिन 7 दिन बहुत ज्यादा होते हैं और अपने पास थोड़ा टाइम की कमी रहती है, इसलिए हम इसके अंदर सफर तो नहीं कर रहे हैं। आई होप कि आप करेंगे। ये ट्रेन चल पड़ी है, इसको बाय बाय बोल देते हैं और मैं भी आपको बाय बाय बोल देता हूँ। आज के लिए इस नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।